मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है संडे और सुबह का टाइम है 8:30-9:30 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, भाभी के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग का चाय नहीं हुआ है। मेरा थोड़ा सा काम सुबह सुबह आपको पता ही है, मतलब अर्ली मॉर्निंग जीरा पानी लेती हूँ, उसके 1 घंटे बाद ही कुछ लेती हूँ। तो आज संडे था तो लेट से उठना हुआ, नहाना पूजा ये सारी चीजें हो गई और उसके बाद बस चाय मैं यहाँ पे चढ़ा चुकी हूँ। चाय भी मेरा पक चुका है, माँ के लिए कॉफी बना रही हूँ, मतलब साथ ही में तीनों लोग बैठ के पियेंगे और दूसरी बार का थोड़ा सा टाइम लेट हो ही जाता है। और देखते हैं, ग्लास भी नहीं है, एक होता है ना कभी जब लेट हो जाता है ना तो सारी चीजें लेट लेट होने लगती है, अब ग्लास होना पड़ेगा। और सारे बच्चे इधर से उधर दूध पी के, चाय पी के, पानी पी के चारों तरफ इधर से उधर फैला के रखे होते, मतलब मिलती हूँ थोड़ा सा इसको धो के। माँ की कॉफी बन गई है तो चलते हैं, उफ चलते हैं भाभी के रूम में क्योंकि कन्हैया के साथ माँ है। और बस चाय कॉफी दे दिया और हम लोग की चाय भी बन चुकी है, 2 कप मैं निकाल ली हूँ। और नाश्ते में क्या बनेगा अभी डिसाइड नहीं किया है, पर खाने के लिए डिसाइड कर लिया है। नाश्ते का तो नहीं पता, लेकिन खाने में आज कुछ बनाऊंगी देसी टाइप का खाना, क्योंकि पता है मेरे यहाँ मकई का जो चावल होता है ना वो आटा चावल दोनों आया था, और आटा तो मतलब करीब करीब खत्म हो चुका है, पर जो चावल है ना वो अभी तक जैसा ही था वैसा ही है बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उसी का मतलब भात बना लेंगे, क्योंकि मकई का भात और दही माठा सॉरी खाते हैं, तो दही मैंने जमा लिया है, क्योंकि पता है रहती तो हूँ गांव में पर ये सारी चीजों की सुविधा बहुत कम है। कहते हैं ना कि लोग गांव में रहने से ये सारी चीजें मिलती है, पर नहीं है यार, आज के जमाने में गांव में रहो या शहर में रहो, मुझे लगता है कि गांव से कहीं ज्यादा शहर बेटर है, कि हर मतलब हर एक चीज मिलती है। यहाँ पे तो दही भी खरीदने जाओ तो नहीं मिलती है, मैं सच बता रही हूँ, पर ऐसी भी नहीं है नहीं मिलती है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है पर मिल जाता है, उतना मुश्किल उठाएगा कौन, सबसे बड़ी तो टेंशन की बात ये है। तो चलिए चाय बन चुकी है मेरी, तो चलिए मैं भाभी के रूम में चलती हूँ। और पता है ट्रे एक हाथ से पकड़ में नहीं आता है, स्लिप कर जाएगा, तो इसलिए मैंने। और हम लोग बैठे हैं बड़ी मम्मी के रूम में और कन्हैया की हो रही है मालिश और माँ कर रही है, देखिए दादी लोग का प्यार बच्चों के लिए यही है। और गंगा जी तो बस एकदम स्टार्ट हो गई है। हेलो। और गुनगुन बाहर है, बच्चे पता है संडे के दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, नहाना वहाना एकदम ये साफ वो सफाई ये सफाई, तो अभी भाभी बस बाथरूम अपना क्लीन कर रही है, नहाएंगी उसके बाद अभी माँ की बारी। और कन्हैया पता है बार बार दिख रहा है कि क्या किससे बात कर रही है चाची। तो चलो दो मिल लो, हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सोए हैं मिस्टर कन्हैया जी, तो देखे इनको कन्हैया जी को जरा, कन्हैया जा। और पता है धूप आ रहा ना इसको, मुझे तो काम करना था पर चाची लेके कैसे करेगी, तो यहीं पे सुला दी चाची इसको, है ना बब्बू। और ये देखिए चने का साग आ गया फाइनली खेत से, और छोटा छोटा है, और आज बनेगा चने का साग। होगा मेरा और कन्हैया का सेल्फी, तो कन्हैया स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। मेरा और कन्हैया का सेल्फी बताना जरूर कैसा लगा, और बोल दो लाइक भी करना, बोल दो कन्हैया एक बार। और पता है धूप अच्छी आ रही है और भाभी ने बोला था कि कन्हैया को पकड़ो, और मुझे पता है क्या होता है मेरे साथ बच्चों को, मैं ऐसे मतलब उलझा देती हूँ ना कि बच्चे खेलते हुए रहते हैं, मेरा काम भी हो जाता है, तो कन्हैया के साथ वही हुआ, रजाई को धूप दिखानी थी तो मैंने इसी पे सुला दिया इसको, और मेरा काम भी हो गया। नहीं बाबू नहीं, ये काम तुम्हारा काम नहीं है, छोड़ दो। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में और फिर से अब नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में बना रही हूँ चूड़ा मटर, तो सिंपल तरीका है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि मेरे मायके में ऐसे ही बनता है, तो यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से बनता है पर मेरे मायके में ऐसे ही बनता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सिंपल है पर अच्छा है, एक बार ट्राई जरूर करना। यहाँ पे देखिए एक टमाटर ले लिया है, 2 छोटे छोटे प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा है और मटर है, और कढ़ाई में डाला है सरसों तेल, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा और हींग थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें गया है हरा मिर्चा, थोड़ा सा मिर्चा कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर और प्याज, साथ में ही डालूंगी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला, थोड़ा सा चिकन किंग मसाला है और नमक है, और इसमें थोड़ा सा जाएगा हल्दी। तो यहाँ पे 2-3 मिनट तक इसे भूनना है ताकि जो मसाले का टेस्ट है, थोड़ा सा इसकी जो महक है वो अच्छे से आने लगे। बस उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो हमारा मटर है वो, और इतने देर तक रखेंगे जितने देर तक मटर हमारा अच्छे से पक नहीं जाता। तो देखिए डाल दिए मटर, और बस इसे 5 मिनट तक गैस का जो फ्लेम है वो कम करके ऐसे ढकना है। तो यहाँ पे देखिए मटर रेडी हो चुका है, एक मतलब ऐसे दबा के देख लेते हैं, थोड़ा सा है। और यहाँ पे चूड़ा है जो कि इसे थोड़ा सा मतलब बारीक पानी के छींटे मार के और बस इसे निकालने हैं। तो चलिए फिर इसमें मिलाते हैं चूड़ा। और यहाँ पे देखिए अभी चूड़ा मैंने दो बार मतलब एक बार पानी गिरा दिया है चूड़े का, और दूसरी बार मैं इसे निचोड़ निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे कलर इसका कितना सुंदर हो रहा है, और बस इसे हल्के हाथों से चलाते रहना है, और गैस का फ्लेम जो है वो तेज ही कर देना है क्योंकि, और इसमें जाएगा लास्ट में नींबू, तो बस ये मिक्स हो जाए उसके बाद। मेरे पास हालांकि है नहीं नींबू, आपके पास है तो बस नींबू डाल के और 2 से 3 मिनट के लिए से ढक दीजिएगा ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब गैस को करते हैं बंद और 2 से 3 मिनट इसे ढक देते हैं। तो देखिए बच्चों के लिए लगा दी है प्लेट, तो चलिए आप सब भी खाइए, कभी ट्राई जरूर करना। और कलर इसका देखिए कितना सुंदर आया हुआ है, तो ले जाओ ले जाओ। और मैं लेके आई हूँ नाश्ता इस रूम में, और भाभी को दे दिया, वहीं पे बैठ हुई है धूप में, और बस नाश्ता सबका चल रहा है। तो चलिए आप सब भी खाइए और बताइए। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी बना हुआ है, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ी देर बातें कर लूंगी आप लोगों से, उसके बाद खाऊंगी। तो ये ब्लॉग आप तक आज ही चला जाएगा संडे में, और मैंने सोचा था कि खाने में क्या क्या बनाऊंगी, लेकिन अभी तक शायद नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या आप तक जाता है। और मैं और पता है आज सुबह से मतलब सुबह अक्सर होता है ना कि जैसे हम जैसे छोटे कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं किसी चीज के लिए, अगर पॉसिबल है तो वो देखना भी अच्छा लगता है। और मैं पता है कुकर में कुछ चढ़ा के आई हूँ, सीढ़ी चल रहा है अभी, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है अभी। और आज का संडे आपको मैंने बताया थे सारे काम हो चुके हैं, मतलब आधे काम हो चुके हैं मेरे, पर आधे अभी ऐसे ही चल रहे हैं बस। और सुबह से पता है सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं ये काम करती देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ अपना, एक रहता है ना कि रात भर में कहीं क्या क्या बदल गया है चीजें, तो बस वही है। उठाती हूँ अपना वाइट स्टूडियो और देखती हूँ कि क्या हुआ, मतलब वीडियो का सबको होता है, जो कोई नया काम करता है उसको मतलब चाहत रहती है कि कितना मतलब उसमें आगे गया कितना पीछे गया, पर मेरा आगे कभी नहीं जाता है, हमेशा कम ही होता है। और पता है आज मेरे 10 मतलब सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता है कि क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं। और अक्सर मतलब देखते हैं ना कि बढ़ने वाली जो संख्या है ना मेरे सब्सक्राइबरों की, वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत ज्यादा कम है। फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे लाइफ में, ऐसी सारी चीजें मतलब मुश्किल आती रहती हैं, और कभी ऐसा होता है ना, बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत कम ऐसी चांसेस मिलते हैं मुझे देखने को कि बढ़े हुए हैं। तो पता नहीं माता रानी कब तक हम मेरी परीक्षा लेगी, क्या करेगी, मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रही है, मुझे कुछ नहीं पता है। और मेहनत तो मैं जी जान से कर रही हूँ, फल की इच्छा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर से मन उदास हो जाता है यार, इतने जी जान से लगाओ। ये कहते हैं ना कि किसी चीज को जी जान से करो तो पूरी दुनिया पूरी कायनात उसे मतलब जुट जाती है उसे ठीक करने में, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें उल्टा पुल्टा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन बस आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, और सच बता रही हूं आपको, आप लोगों से अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा शौक नहीं होता ये आपको मैं बता रही हूं, तब अभी तक मैं इस चीज को बंद कर दी होती, क्योंकि इसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला और नहीं मिल रहा है। एक कहते हैं ना कि मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम 1.5 साल होने को जा रहे हैं मेरे चैनल को, और अभी तक पूरा नहीं हुआ है ये चीज। आप समझ सकते हैं यूट्यूब का एक रूल है जिसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। हालांकि सच बात है कि मैं लाइव बहुत कम करती हूँ, बहुत लोग लाइव से मतलब करते हैं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट
अगर ऐसे बनाए रखोगे तो प्लीज, मतलब मैं बहुत सोचती हूँ ना कभी कभी, अजीब सा लगता है कहते हुए भी कि आप लोग बोलोगे कि फिर लेके बैठ गए, लेकिन क्या करो यार, मुझे मतलब तसल्ली मिलती है आप लोगों से बातें करके, सुकून मिलता है। तो मेरा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना, और प्लीज जो ये कर रहे हैं ऐसे मत कीजिए। अनसब्सक्राइब करना तो एक ही बार कर दो, डेली डेली मत करो, जितना भी करना है जिसको भी करना है कर दो। सब्सक्राइब करना है तो ये कहते हैं ना कि दोस्ती करो तो एकदम पक्की वाली करो, नहीं तो करो ही नहीं, तो बस वही है। लेकिन चूड़ा मटर खा के मूड फ्रेश हो गया और आप लोगों से बातें करके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।